हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग एंड थर्ड व्लॉग। ये सैंडविच बना दी है मैंने, जल्दी हो रही थी बहुत सुबह के लिए, तो ये हिताक्षी को दूध देकर फटाफट से इसकी चोटियाँ बनाई, बाल बनाए, पापा जी को नमस्ते प्रणाम करा, डॉक्टर साहब के लिए चाय और सैंडविच, इनके लिए भी आज सबके लिए सैंडविच बना दी थी मैंने। उसके बाद खाना बनाना तैयार करा, लौकी की सब्जी बनाई थी और फिर आटा वाटा गूंद कर अपना बाकी का काम समेटने लग गई थी। फटाफट से ये सब्जी बन रही है। ये कपड़े फैले हुए थे जो मैंने रात को तय नहीं कर पाई थी, अलमारी मेरी ये सेट हो रही है, बस मेरी ही रहती है सेट, बाकी सब अपनी अलमारी को इतना उबड़ खाबड़ करके ऐसा रखते हैं। देखो बच्चों की कैसी हो रही थी। ये किचन थोड़ी साफ़ सफाई कर दूँ, मैंने कहा इस पर धूल वूल हो रही है, ये सब साफ़ करके फिर बाकी के काम में अपने लगते हैं। बर्तन पड़े थे अभी, तो सारे बर्तन भी करने थे मुझे, इतना बिजी डे रहता है। अब दिवाली के टाइम पे इतना काम हो जाएगा पूछो मत। सब धीरे धीरे करके होगा सारा काम, साफ सफाई सब कुछ, हम धीरे करके सब कुछ कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। श्राद्धों में वैसे भी थोड़ा इंसान लेजी कह लो, बिजी रह लो, कुछ काम हमें करने होते हैं, कुछ नहीं करने होते, इसलिए अब मैं बर्तन साफ करूँगी। स्लिप हो गया है साफ मेरा, पहले मैं सोच रही थी मैं नहाने चली जाऊँ कि पहले ये काम से निपटाऊँ, झाड़ू पोछा लगा दिया था, फिर नहाने के टाइम पे झाड़ू पोछा बोला मैंने, ये नहाने के बाद में आज मेरा ये आउटफिट था। विशु को आज फिर से टैबलेट दी, इसको दर्द हो रहा था काफ़ी, फिर आके बोल रही थी मुझे, तो इसको टैबलेट्स दी, अब इसको थोड़ा रिलीफ मिल रहा था। वैसे आज भी हल्का सा पस आया था, ज़्यादा नहीं आया इसने आज, मतलब रोते हुए नहीं आई नॉर्मली, मतलब आज स्कूल से, कल तो बहुत ही परेशान थी। आते ही अपने कलाकारी में लग गई, कलाकारी करते करते इनको मैं खाना खिला रही थी, फटाफट से इनको खाना खिलाया जाए, पर लेकिन ये थोड़े थोड़े उसमें खाती है रुक रुक के, आधा अभी आधा बाद में। इस तरीके से पापा ने साक्षी आज, तो ये दोनों साथ में ही आए हैं। मैंने देखा जाए, मैंने कहा अरे वाह, ये विशु की कलाकारी देखो, ड्राइंग कर रखी है इन्होंने हाथों में, कभी कुछ बनाएंगी, तरह तरह की डिजाइन भी चलती रहती। ये इनका चल रहा है, मैं जब तक खाना बना रही थी, अगर आ गए खाने का टाइम हो गया तो खाना बना देती हूँ, खाना बना के इन्हें खिलाना है। खिलाने के बाद फिर मेरे माइंड में यही चल रहा है कि क्या, मतलब कौन सा आज काम निपटाया जाए, साफ सफाई का। ये बटर ले गई, हमारे यहाँ ये वाला बटर ज़्यादा बच्चे पसंद करते हैं, क्योंकि एक मतलब जो इसकी बाइट होती है, टिक्की बोलते हैं इसे अमूल बटर की, आराम से बच्चे खा लेते हैं इसे, इसमें ज़्यादा मतलब ख़राब नहीं होता है। ये गेट का सपोर्टर ख़राब हो गया था, तो इसे बच्चे पढ़ाई करने लग गए, ड्राॅइंग करना स्टार्ट कर दिया इसका। ड्राॅइंग हर समय कभी भी, ड्राॅइंग से कभी बोर नहीं होती है लड़की। ये विशु का होमवर्क कराने लग गई थी, फटाफट बहुत बोल रही हूँ मैं जल्दी से ये अपना होमवर्क फिनिश कर ले। ये इनकी फैंसी इरेजर जो ये कल गई थी मार्केट देखने के लिए, वहाँ तो मिली नहीं थी, फिर आज ये फिर से गई थी, कल एक शॉप बंद थी तो वो, क्योंकि 8 बजे के बाद गए थे हम, तो ये आज पहुँच गई कि कहीं बंद ना हो जाए, उससे पहले ही लेकर आई, और उससे पहले इन्होंने इसे पूरा खोल दिया, जैसे कि सब बच्चे करते हैं, कोई भी टॉय आएगा पहले उसको खोल के पूरा ख़राब कर देना है, उसके बाद फिर उसे दोबारा से एडजस्ट करेंगे। ये हमारे घर के सामने एक मतलब उन्होंने बना रखा है, प्लॉट में पेड़ पौधे लगा रखे हैं, तो हम, मैं और मेरे हस्बैंड बस यही देख रहे थे कौन सा पेड़ क्या है, ये किसका है, ये कौन सा है। ये चाय बनाने रख दी थी, चाय बनाने के बाद आज मेरे घर में भैया आए थे देवर हमारे, तो उनके साथ बैठ के थोड़ी बातचीत करनी, दाल रख दी थी मैंने साइड में, क्योंकि अंधेरा हो गया था, मैं फटाफट जल्दी से खाना बन जाएगा तो मैं बाकी काम अपने करती रहूँगी। अब चाय रखने के बाद फिर हम उनके पास बैठे, थोड़ी बातचीत करी, अच्छा लगा। ये उबाल आ गया चाय में, हमारे घर में भैया आए हुए हैं, एक मेरे देवर हैं और एक है उनके फ्रेंड, मैंने तो भैया उसमें लगभग ये जो बात कर रहे हैं ये उनके फ्रेंड हैं, वो उधर बैठे हुए हैं, वो है मेरे 40-45 फुट में मैंने वो, इनकी अपनी आपस की बातें चल रही हैं, कैसे क्या है क्या कर रहे हैं। हाँ
बच्चे जिद कर रहे थे कि जूस पीना है, जूस पीना है। इनको जूस कॉर्नर पे लेके गए थे, वहाँ पे जाके आरव कह रहा था मैं रावण बनूंगा। आरव इनका भाई है, कजिन है इनका, तो वो कह रहा नहीं भैया मुझे तो रावण ही बनना है, 10 साल लगाने हैं मुझे। सब लोगों ने जूस पिया, जूस पीते इंजॉय करा अपना। फिर उसके बाद हम घर के लिए वापस लौटते समय अपने बातचीत करते हुए आ रहे थे, इतनी देर में वही उन बच्चों में रेस लगी बाबा के साथ स्कूटर से, पहले कौन पहुंचेगा, पहले कौन गेट खोलेगा। बस फिर बच्चे को छोड़ने चले गए हम लोग। इतना ही था आज का दिन, बाकी कल का कुछ स्पेशल होगा तो मैं बताऊंगी, होने वाला है कल का कुछ स्पेशल ब्लॉग रहेगा मेरा, कल कुछ ना स्पेशल बनाने की कोशिश करी जाएगी। बाकी